नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ज़ोडियाक ने मून नाइट पर हमला किया था और वो मून नाइट को मारने वाला ही था कि तभी हंटर्स मून वहां के मून नाइट को बचा लेता है और फिर उसका इलाज करता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम बार विद नो नेम देखते हैं जहां पर कुछ लोग मजे कर रहे थे। तभी वे सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पर मिस्टर नाइट आ चुका था। तभी मिस्टर नाइट एक टेबल पे आता है और कहता है कि मैं हमेशा से ये जगह जानता हूं, पर मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, तो चलो पेरीमीटर सेट करते हैं। मैं स्पाइडरमैन नहीं हूं और ना ही पनिशर हूं क्योंकि वे लोग एक्सट्रीम एंड को रिप्रेजेंट करते हैं, पर मैं मून नाइट हूं और तुम सब लोग ये बात जानते हो कि इस बार में ऐसा कोई नहीं है जो जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एवेंजर्स को हराया है, तो जरा सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो अब मेरा बोनाफाइड एस्टेब्लिश हो चुका है, तो मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, और वो है ज़ोडियाक। ये सुनते ही वे सारे लोग डर जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो डॉक्टर शर्मन के पास आया था। तभी डॉक्टर शर्मन कहती है, क्या ज़ोडियाक? जिस पर मिस्टर नाइट कहता है, हाँ ज़ोडियाक। जिस पर डॉक्टर शर्मन कहती है कि मैं इस नाम से फैमिलियर नहीं हूँ, मैंने ज़ोडियाक कार्टेल के बारे में सुना है पर मैं इस ज़ोडियाक को नहीं जानती हूँ। जिस पर मिस्टर नाइट डॉक्टर शर्मन से कहता है कि यही तो बात है डॉक्टर, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है। फिर उसके बाद हम एट बॉल को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। तभी एट बॉल किसी को कॉल करने लगता है और कहता है, कम ऑन जल्दी फोन उठाओ। तभी एट बॉल किसी को देखता है और डर जाता है, और तब हम देखते हैं कि उसके सामने टाइग्रा और रिस खड़ी थी। तभी रिस एट बॉल से पूछती है कि इस बार में तुमने ऐसा क्या सुना जिससे तुम डर गए। जिस पर एट बॉल लड़खड़ाते हुए कहने लगता है, लेकिन तभी एट बॉल के पीछे मिस्टर नाइट आ जाता है और एट बॉल से कहता है कि लाइफ में सब कुछ पहली बार होता है। ये आवाज सुनते ही एट बॉल पूरी तरह डर जाता है। तभी मिस्टर नाइट एट बॉल से पूछता है कि चलो कुछ ज़ोडियाक के बारे में जान लेते हैं। यार डॉक्टर शर्मन मिस्टर नाइट से पूछती है कि क्या ये नया विलन है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है, पता नहीं, पर वो बहुत ही शाना और कॉन्फिडेंट है, उसने कहा था कि मुझ में पोटेंशियल है। जिस पर डॉक्टर शर्मन कहती है, कैसा पोटेंशियल? जिस पर मिस्टर नाइट कहता है, पता नहीं पर मैं जल्दी ढूंढ निकालूंगा। ये कहते हम मून नाइट को देखते हैं जो एट बॉल को ऊंचाई से लटका देता है। तभी मून नाइट एट बॉल को चेन से बांध देता है और एट बॉल से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है। तभी एट बॉल चिल्लाते हुए कहता है, मैनस्लॉटर मास्टेल। ये कहते हैं सोल्जर एट बॉल को नीचे उतरता है। तभी एट बॉल कहता है कि हम पोकर खेल रहे थे कुछ महीनों पहले, तब मुझे ये मैनस्लॉटर मास्टेल यानी कि MM मिला था, और तब उसने कहा था कि वो ज़ोडियाक से मिला है। तभी मून नाइट एट बॉल से कहता है कि इसलिए तुम वो कॉल MM को लगा रहे थे। जिस पर एट बॉल कहता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि मैं उसे बुलाकर फिर से पोकर खेलूंगा ताकि बहुत सारा पैसा कमा सकूं, लेकिन अब मुझे जाने दो क्योंकि तुम जानते हो मैंने कुछ नहीं किया है। जिस पर मून नाइट अपना वेपन निकालता है और कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि तुमने अब तक क्या कांड किए हैं। ये कहते हैं मून नाइट एट बॉल को आजाद करता है। ये देखकर एट बॉल तुरंत वहां से भाग जाता है। उसके बाद मून नाइट MM से मिलने जाता है, लेकिन MM मून नाइट को जोरदार पंच मार के बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम मुझे दर्द नहीं दे सकते हो क्योंकि मुझे दर्द महसूस नहीं होता है। यह कहते ही MM मून नाइट को मारने आता है, लेकिन मून नाइट MM के मुंह पर जोरदार किक मारता है और MM से पूछता है कि बताओ मुझे ज़ोडियाक कहां पर है। यह कहते ही मून नाइट MM के मुंह पर पंच मारता है, लेकिन तभी MM मून नाइट को पंच मारते हुए कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझे, मेरी लाइफ ज़ोडियाक की देन है। लेकिन तभी मून नाइट MM को मारते हुए कहता है कि तुम उसके लिए मरने को तैयार हो। यह कहते ही मून नाइट अपने वेपन MM पर फेंकता है, पर MM मून नाइट के वेपन को अपने हाथ पर लेता है और मून नाइट से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो।
मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा। लेकिन तभी मून नाइट MM को जोरदार पंच मार के MM को नीचे गिराता है। तभी मून नाइट MM से कहता है कि जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक तुम ऐसे ही मार खाते रहोगे। जिस पर MM मून नाइट से कहता है कि मैं मेरे क्रू की तरह क्लाउन नहीं हूँ जो तुम्हें बताऊंगा। जिस पर मून नाइट कहता है ठीक है मत बताओ, अब मैं तुम्हारे दोस्त क्लाउन से पता करूंगा। उसके बाद मून नाइट क्लाउन के पास चला जाता है। तभी मून नाइट दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। तभी टाइगरा क्लाउन से कहती है कि तुम्हें ढूंढना आसान था। ये कहते मून नाइट और टाइगरा क्लाउन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को कुछ दिखाई देता है और वे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने क्लाउन की लाश पड़ी हुई थी पर उसका सर कहीं पर गायब था। उसके बाद हम टाइगरा को देखते हैं जो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं और मून नाइट क्लाउन को ढूंढने गए थे लेकिन जोड़ियक ने हमसे पहले वहां आके क्लाउन को मार डाला और उसका सर कहीं ले गया। तभी हमें वो आदमी दिखा देता है जिससे टाइगरा बात कर रही थी और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था जो टाइगरा से कहता है कि मार्ग पर ध्यान रखना क्योंकि वो सबके लिए खतरा है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर शर्मन को देखते हैं जो अपने घर आती है और देखती है कि उसके घर में पहले से ही कोई था जो कोई और नहीं बल्कि जोड़ियक था और उसके पास वही क्लाउन का सर था। और तब जोड़ियक डॉक्टर शर्मन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मार्क तुम्हारे पास आता है तो अब बात करते हैं कि उसे ट्रैक पे कैसे लाएं। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।